गुड मॉर्निंग फ्रेंड्स, तो कैसे हैं आप लोग? वेलकम टू माय चैनल हैशटैग मुकुल मिश्रा ब्लॉग्स। तो आई होप आप सब अच्छे हैं। आज का जो सफ़र हमने तय किया है वो है कुतुब मीनार। हालांकि बहुत बार जा चुका हूं, बट आज एंट्री करके आपको दिखाएंगे कुतुब मीनार। आज मेरे साथ है गौतम। हाय बोलो। तो कुछ दोस्त और आने वाले थे बट आए नहीं। चलिए फिर मिलते हैं, आगे का सफर तय करते हैं। तो दोस्तों, कुतुब मीनार पहुंच गए। काफ़ी ऊपर की तरफ है ना, चढ़ाई की तरफ है, तो मौसम तो काफ़ी अच्छा है। एकदम धूप अभी तक निकली नहीं है, बहुत ही अच्छा मौसम है कि धूप निकली नहीं थी, तो पसीने आ जाते बहुत जल्दी। तो ये मेन एंट्री है। अभी हम पूछते हैं साइकिलिंग के लिए पार्किंग कहाँ पे है। ऑपोजिट में आपको टिकट घर मिल जाएगा यहाँ पर, ये देखिए। तो हम अभी अंदर चलते हैं, ठीक है, आइए चलो। अभी हम साइकिल पार्किंग की तरफ आए हैं, साइकिल पार्क करेंगे यहाँ पे। ये कुतुब मीनार पार्किंग एरिया का है, ये देखिए, ये पार्किंग एरिया है कुतुब मीनार का, देख सकते हैं। ये पूरा पार्किंग एरिया है यहाँ पे, कार पार्क, बाइक पार्क, साइकिल पार्क, साइकिल बाहर कर सकते हैं। ये है टिकट घर यहाँ का। ₹40 का टिकट है पर पर्सन। ये देखिए मेन एंट्रेंस है कुतुब मीनार आने का। तो इस बार इन्होंने टोकन टाइप कर दिया है, जैसे मेट्रो में आपको पंच करना पड़ता है वैसा, पंच करोगे गेट खुलेगा। ये बहुत अच्छा किया है। ये देखिए मेन एंट्रेंस से होते हुए अंदर की तरफ, और थोड़ा सा आप आगे आओगे काफ़ी टूरिस्ट यहाँ पे आ चुके हैं। यह है मेन कुतुब मीनार, ₹40 टिकट है। ये देखिए काफ़ी टूरिस्ट है यहाँ पे, काफ़ी बहुत अच्छी जगह है। ये मैप है, देख सकते हैं मैप। देखिए भीड़, देखिए स्टूडेंट्स, ये सब तमिलनाडु से आए हैं सब टूरिस्ट। ये सीधे जाएंगे तो आपको आर्यन प्लेयर दिखेगा, जो अभी बाउंड्री से इन्होंने कवर कर दिया, लेकिन पहले ये खुला होता था। मैं आगे लेके जाता हूँ आपको। ये देखिए हमारे यहाँ पे, वैसे ये इंडियन स्ट्रक्चर है पूरा। ये है मेन कुतुब मीनार, ये देखिए। ये सामने इनका इंफॉर्मेशन लिखे हुए हैं, ये देखिए 43.2 मीटर इंटू 32.9 मीटर का बना हुआ ये। मौसम काफ़ी अच्छा है, लेकिन बारिश आ गई दिल्ली में, देखिए बारिश नहीं आई। हाँ, इस तरफ का, हाँ दिखाते हैं, बारिश स्टार्ट हो गई यहाँ पे आज, साथ ही है। ये देखिए कुतुब मीनार एकदम सामने है, बैठ सकते हैं। काफ़ी अच्छी जगह है, और दिल्ली से बाहर जो मेरे ब्लॉगर्स जो मुझे देखेंगे, प्लीज़ दिल्ली आए तो कुतुब मीनार आइए। ये देखिए उर्दू में लिखा हुआ है, ये मेन गेट है। ये देखिए एरिया कितना अच्छा बना हुआ है। हम कुतुब मीनार के एकदम ऑपोजिट में आ गए हैं। इस तरफ भी जाएंगे अभी। यहाँ पे चलिए इस तरफ जाते हैं, आइए देखिए दोस्तों कितना अच्छा बना हुआ है। ये देखिए
ये तो बंद है वैसे, ये कुतुब मीनार ये बंद है पूरा। यहाँ से हम बाहर की तरफ जा रहे हैं अभी। यहाँ पे यही मजे है कि पुरानी चीज देखते हैं, पुराने पत्थरों को देखते हैं। ये देखिए, ये देखिए बना हुआ कितना सुंदर। अंदर चलते हैं अभी, काफी बारिश हो रही है। ये जगह बहुत अच्छा है फोटोग्राफी के लिए। इसे कहते हैं खिलजी का टम, मतलब खिलजी का मकबरा। हम लोग यहीं से आए, पहले ये गेट खुला होता था लेकिन अभी बंद है। गौतम कैसा लग रहा है? सही है ना, मौसम भी सही है भाई। बारिश हो रही है वैसे, यहाँ पे बहुत अच्छी बारिश हुई है। ये देखिए कितना अच्छा वो इधर है। ये बाउंड्रीज है कुतुब मीनार का इस तरफ से। हम लोग अंदर की तरफ आ गए काफी। ये देखिए कुतुब मीनार एकदम गीला हो रखा है, मट्टी घास सब। ये तो फोटो में लगा हुआ है अपने, हमें भी क्लिक कर पा रहा तो फोटो दो तीन। हाँ ऐसे ही, हाँ ये बात, ये फोटो। तो फ्रेंड्स हम लोग अभी आयरन पिलर की तरफ जा रहे हैं। ये भी वुडन बनाया है और ऐसा बना हुआ है। ये टूरिस्ट आए हैं तो ये देखिए, ये स्ट्रक्चर देखिए, ये ज्यादातर हिंदू स्ट्रक्चर में है ये सब। यहाँ देख सकते हैं, ये देखिए दोस्तों स्ट्रक्चर ज्यादातर तोड़ दिया गया है फेस। और आगे भी दिखाते हैं आपको, ये देखिए मूर्ति बनी हुई डांसिंग स्टेप में, ये भी तोड़ दिया गया था उस समय। हिंदू मूर्ति बने हुए थे, सब पर मुंह तोड़ दिया गया। ये पूरा हिंदू स्ट्रक्चर में बना हुआ है, ये देखिए मैं दिखा रहा हूँ आपको, सब तोड़ दिया गया मुंह, एक नहीं सबका। ये लोहा स्तंभ है, लोहा स्तंभ मतलब आयरन पिलर ये इंग्लिश में, वहां पे हिंदी में। ये देखिए पहले ये खुला हुआ करता था तो हमने टच भी किया था इसको, अब टच करने के लिए देते ही नहीं है। यहाँ से आपको नज़ारा दिखाते हैं, ये देखिए आयरन पिलर के साथ। देखिए अब लग रहा है ना दोनों सेम हाइट के, आयरन पिलर और कुतुब मीनार का। ये पुराने पिलर्स काफी अच्छे स्ट्रॉन्ग है यार, काफी है। तो दोस्तों आई होप आपको ये वीडियो पसंद आएगा, बहुत ही मेहनत से वीडियो बनाते हैं। तो लाइक शेयर कमेंट कीजिए फ्रेंड्स। देखिए कुतुब मीनार आइए घूमे, यहाँ पे भी चलते हैं। ये क्या है देखते हैं, यह है अलाई दरवाजा 1311 AD। तो यहाँ चलते हैं, ये देखिए उसको। काफी सुंदर बनाया गया ये। गौतम अभी फिसलते फिसलते बचा यहाँ पे। ये वुडन फ्लोर ध्यान से आना पड़ता है यहाँ से। ये देखिए कितना सुंदर बनाया गया है। यहाँ पे भी एक द्वार है, यहाँ पे भी देखिए सब वुडन फ्लोर है। इसके नीचे ओरिजिनल पत्थर का है स्टेयर्स। उस तरह चलते गौतम, पीछे पीछे की तरफ से चलते आ जाए। ये देखिए कितना सुंदर बनाया गया है, कितना कटिंग देखिए। ये है इमाम जामिन का मकबरा 944 HD 1537-38 ईस्वी। बारिश हो रही है इसलिए यहाँ पे दिखाई दे रहा है ऐसे।
ये है वो मकबरा ये बता रहे हैं। ये देखिए ऐसा बना हुआ है। आजा अंदर आजा गौतम, अंदर आजा गौतम, बाहर से ही दिख रहा है उसको। ये देखिए वहाँ पे एक पुराना वॉच है, मैं आपको दिखाता हूँ आगे जाके। छोटा सा द्वार है, हम यहाँ से निकले। कहाँ से? ये देखिए दोस्तों। तो दोस्तों हम लोग ये जहाँ से सोलर मतलब सूर्य की रोशनी से ये वॉच का डायरेक्शन बताता है। ये देखिए परमानेंट और वहाँ पे उम्रा लिखा हुआ है ऐसे। इस डायरेक्शन से दिखाते हैं टाइमिंग के लिए। अभी तो फिलहाल धूप है नहीं, तो ये ठीक इसके सामने कुतुब मीनार। और अभी हम लोग वहीं से होते हुए आ रहे हैं छोटे वाले दरवाजे से। देखिए सामने दिख रहा है, बहुत ही सुंदर और बहुत ही साफ सुथरा एरिया ये। तो चलेगा तुम आगे? तो ये अलाई मीनार के नाम से जाना जाता है। ये कुतुब उल इस्लाम मस्जिद, ये देखिए लिखा हुआ है यहाँ पे। आयरन पिलर तो उस तरफ देख लिया था आप लोगों ने। ये हम इस तरफ आ गए अब। ये ठीक कुतुब मीनार के सामने दिख जाता है। ये देखिए अलाई मीनार 1311 ईस्वी। वहाँ पे हिंदी में या पे इंग्लिश में 1311। तो ये अलाउद्दीन खिलजी के नाम पर किया गया था ये, जिसने कुतुब उल इस्लाम मस्जिद के आकार को बनाने की कोशिश किया था, लेकिन ये बीच में ही बंद किया। 24.5 मीटर ऊंचाई तक ही बना पाई है। 24.5 मीटर ये। हालांकि देखा जाए तो कुतुब मीनार के साइज से ये नीचे वाला हिस्सा काफी यूज है ना, डबल है ना, काफी डबल साइज है ये, बहुत ही डबल साइज है। अगर एक्चुअल कुतुब मीनार की तरफ आप जाओगे और इसको देखोगे तो डबल साइज का था ये, और उससे भी ऊंचा बनाने की कोशिश में लगे थे लेकिन हो नहीं पाया ये। तो फ्रेंड्स आई होप आपको ये वीडियो पसंद आएगा। तो काफ़ी दिखा दिया जितना हो सके, है ना, जितना पॉसिबल हुआ हमने दिखाया आपको। हेलो, तो फ्रेंड्स हम लोग अभी एग्जिट की तरफ जा रहे हैं। हाय कर दे, निकल रहे बस, अभी फाइनल घर की तरफ ही जाएंगे। अभी थोड़ा सा चाय वाय पियेंगे या कुछ, देखते हैं। भूख भी लगी है, टाइम भी काफ़ी हो गया है। मौसम से पता नहीं चल रहा कि टाइम कितना हो गया है, लेकिन आई थिंक 11:30-11:12 बज गए होंगे। तो चलिए फिर एग्जिट से निकलते हैं बाहर। और कॉइन दिखा, ये है मेट्रो का कॉइन, ये मिलेगा आजकल आपको यहाँ पे एंट्री पे और एग्जिट के लिए ये यूज होगा बाहर यहाँ से। तो आइए चलते हैं। ये देखिए टोकन लाइन, आगे बाहर टोकन जैसे ही सिस्टम करके आगे बाहर। ये देखिए तो बाहर आ गए हम लोग। अभी बहुत अच्छा लगा घूम के। ये टिकट काउंटर की तरफ वापस आ गए हम लोग। बहुत क्राउड देखिए। ये देखिए ये पार्किंग एरिया जैसे दिखाया था आपको, कुतुब मीनार का पार्किंग है ये। हम साइकिल की तरफ आ गए। लॉक खोलो, हम निकलते हैं यहाँ से। तो दोस्तों थोड़ा थक गए हैं, मिड वे पे अभी हमें। हम अभी मदनगी की तरफ वेट कर रहे हैं। थोड़ा साइकिल पे रेस करवा दिया, हम भी रेस कर रहे हैं। तो काफ़ी दूर तक आ गए हम या कुतुब मीनार से। अब हम घर की तरफ जा रहे हैं सीधे। तो कैसा लगा वीडियो आपको? आई होप आपको पसंद आएगा। लाइक कमेंट शेयर कीजिए ताकि मुझे सपोर्ट मिले आगे और अच्छे वीडियो बनाने के लिए। ठीक है, तो चले फिर आगे। तो फ्रेंड्स फाइनली हम घर आ चुके हैं। काफ़ी टाइम हो गया, बारिश बहुत तेज़ हो गई है।
हाँ बहुत तेज़ हो गई बारिश, अभी देखिए यहाँ पता चल जाएगा आपको। हाँ तो देखिए बारिश बहुत तेज़ हो गई है, तो जितना हो सके हमने वीडियो आपको दिखाया, आई होप आपको पसंद आया। तो काफ़ी सब्सक्राइबर बेल आइकन दबाना भूल रहे हैं, तो मेरे आने वाले वीडियोज़ उनको नहीं मिल रहा, तो बेल आइकन ज़रूर दबाइए। तो मिलते हैं मेरे नेक्स्ट वीडियो पे, और ऐसे लाइक कमेंट शेयर करते रहिए, ठीक है। गौतम की तरफ से बाय, टेक केयर, बाय।